हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आज मैं जा रहा हूँ मुंबई। और अभी टाइम हो गया है 7:15 हो गया। तो रात को अभी चल रहा हूँ मैं और सुबह कल अगले दिन शाम को मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो देखते हैं कैसी ट्रिप रहती है। तो मेरा सारा सामान मतलब बाहर बाइक पे जा चुका है। बाइक दिखाता हूँ, ये हाइड्रेशन बैग अभी रखा हुआ है, जैकेट के ऊपर पहनूंगा और फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं सोलो जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे सेफली चलना है, तो मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और जो मेरी डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो पूरा एक दिन एक घंटा दिखा रहा है, मतलब 24 घंटे 25 घंटे दिखा रहा है और 1407 किलोमीटर दिखा रहा है मुझे अभी यहाँ से। अभी कि मैं काफ़ी आ चुका हूँ अपने घर से 10-15 किलोमीटर और बाकी सब बढ़िया। सबसे पहले मुझे फ्यूल अप करना है एंड आज जो हमारी बाइक है एक बार उसको मैं सब कुछ मतलब कि 0-0 कर लेता हूँ व्हीकल को, ताकि जब बाइक हम चला रहे हों तो हमें पता रहे कि भाई हम कितना चले। थोड़ा सा टाइम लगाता करने में पूरा, क्योंकि पूरा डाटा मिटा रहा होता है। वो हो चुका है पीछे बैकग्राउंड में, वैसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो सब यहाँ पे 0-0 हो गया है। 20,529 किलोमीटर अभी तक हमारी बाइक चली है, तो ये 10 किलोमीटर के बाद मैंने लगाया, कोई बात नहीं, इसको हम प्लस कर लेंगे। तो तुम्हारे भाई का भाई एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, तो मतलब कि आराम से चलूँगा, मुझे पता है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। तो भाई पहला फ्यूल स्टेशन हमारी बाइक का 1229 रुपए का हमारा फ्यूल आया है, ठीक है भाई। तो भाई मैंने बाइक में 1229 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया है और ऊपर यहाँ पे अमाउंट शो कर गया होगा आपको। तो ये मैंने नई चीज़ करी है कि भाई आप लोगों को जैसे पूछते हो कि भाई हर राइड का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई कॉस्ट क्या आई थी इस राइड में, तो भाई आपको ये क्वेश्चन मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऊपर जितनी बार भी फिलअप होगा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा आपको दिखाता रहेगा। अभी जैसे 1229 का डला तो 1229 ऊपर लिखा होगा और डॉलर छपा होगा, जो भी छपा है। तो अब आगे आगे जैसे जैसे हम करते रहेंगे तो इसमें जो भी अमाउंट होगा वो आता रहेगा। स्पीड मेंटेन रखनी है हमें और ये जो राइड रहेगी मेरी इसमें 5 स्टेट कवर करूंगा मैं, 1 सिंगल राइड के अंदर ही 5 स्टेट कवर होंगी। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अजमेर में और अजमेर में एक फेमस दरगाह है। तो भाई मैं दिन के टाइम होता है या फिर इधर कहीं घूमने के लिए आया तो ज़रूर वहाँ पर मत्था टेकने के लिए जाता, बट कोई नहीं, या तो मुंबई से आते टाइम देखेंगे कि दिन के टाइम आए हम तो ज़रूर करेंगे, नहीं थके हुए होंगे तो। और अभी के लिए यहीं से प्रेयर कर लेता हूँ मैं गॉड को, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। तो भाई जैसे तैसे करके 310 किलोमीटर पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हमने और टाइम पूरे 12 बज गए हैं। तो मैंने सोचा कि यार आगे पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, एक ढंग का ढाबा मिला था। तो बाइक पार्क है, हम लोग दिख रही होगी बाइक वहाँ पर पार्क है सेफली और मैं यहाँ पे पार्क हो गया हूँ। तो भी सिंपल दाल फ्राई कम मिर्ची वाली वो मंगवाई है और 2-3 रोटियाँ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा खाना खाऊँगा तो मैं रात को ज़्यादा नींद आएगी और उसके बाद हल्की सी मिर्ची खा के निकलूँगा, क्योंकि मिर्ची रहेगी तो बॉडी में ये रहता है कि भाई हाँ नींद ना आए, नींद ना आए। और इनके पास एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा ले लूँगा मैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो मिलेगा, मैंने गलती कर दी, मैंने कहीं पीछे से लेनी चाहिए थी, कोई नहीं, आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी मुझे। तो रेडबुल की मैं 2-3 बोतल ले कर रख लूँ। तो मैं जस्ट अजमेर से निकल के ही रुका हूँ, मतलब कि अजमेर से पूरा आप सिटी क्रॉस करके जो टोल आता है टोल से निकलते ही मैं वहीं पे रुक गया हूँ। और अभी 1100 किलोमीटर हमारे बचे हुए हैं पूरी ट्रिप के।
तो अब ये जैसे 100-100 किलोमीटर घटेंगे तो दिल को अच्छा लगेगा, और यही एक टारगेट अपने आप में बना रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बस ध्यान रखना है, सेफली हमें चलना है। खाना भी मंगवा लिया है तो खाना खाते हैं और फिर बाइक उठाते हैं, फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट मिलेगा अपने लिए। 1229 रुपये में फुल होगी थी ये। अरे बाप रे, 1400 कर दो पूरा आ जाए तो। एक कार में आता ही था मोटरसाइकिल महंगा होने में। तो भाई अभी बज गए रात के 2 और अजमेर अभी हमने क्रॉस कर लिया है लगभग। तो मिलते हैं आपको अब सुबह, क्योंकि जितना भी रास्ता है मुझे खींचना है फटाफट आपको दिखाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। और पेट्रोल भी हमने भरवा लिया, तो पेट्रोल भी अब हम मॉर्निंग में ही फिल होगा हमारी बाइक में। अभी है 350 किलोमीटर का फ्यूल हमारी बाइक में, और हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। तो ऐसा कुछ हुआ तो मुझे अपना गोप्रो भी निकाल के मतलब अंदर डालना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ पे ढाबे पर रुका हुआ था जहाँ पे ट्रक वगैरह रुकते हैं, और यहाँ पे सो गया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को डबल डबल दिख रहा था। बाइक देखो यहाँ पे खड़ी थी पास में। तो अभी फटाफट बस रेडी हो गया हूँ, मैं निकलता हूँ। और उदयपुर यहाँ से है 35 किलोमीटर, तो किसी पेट्रोल पंप पे चलते हैं, वहाँ पे फिलअप कराते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। मुंबई बिल्कुल सही दिखा रहा है भाई जो मेरे फ़ोन में दिखा रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं, अभी तक उत्तराखंड में जाते थे तो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते थे, अब छोटे 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 पहाड़ हैं। और भाई जो ये सुबह का टाइम है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, मतलब कि जो मेरे लिए 7 बजे से लेकर 8 बजे का जो टाइम है, इस पर मैं जितना बाइक को अच्छे से खींच लूँगा मेरे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना, मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो भाई रास्ते मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे अच्छे आने वाले हैं अभी जब मैं यहाँ से आके बाहर निकलूँगा, तो भाई वहाँ पे फोटोग्राफी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बाइक को पूरा खींच लेते हैं जितना खींच पाऊँगा। पेट्रोल पम्प पे अभी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी 100 किलोमीटर का पेट्रोल पड़ा है मेरी बाइक में, कम से कम 50 उदयपुर क्रॉस करने के बाद ही रुकेंगे अब। तो इन्जॉय करिए इस अच्छे से कि सॉन्ग के साथ और इस अच्छे से सिनेमेटिक शॉट को। कितना बड़ा लोहे का वो ट्रक पे जा रहा है। ओह मारो भाई, सीमा समाप्त हो गई है राजस्थान की, ठीक है। तो अब पता नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात इंटर होता है तो गुजरात ही आएगा मेरे ख्याल से अभी तो। भाई मैं अहमदाबाद से जस्ट थोड़ा सा पहले हूँ और यहाँ पे रुक के मैंने खाना खाया था अभी। तो अभी मेरे को रूट बताया यहाँ से कि वहाँ से पीछे से लेके बड़ोदरा से आप पे बिल्कुल अलग कट जाओगे, मतलब कि अंदर नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो यही था अभी नागपुर, पता नहीं क्या हो गया रात को यार। बाकी बाइक काफ़ी बढ़िया चल रही है, एवरेज काफ़ी अच्छी दे रही है यार बाइक, तो मज़ा आ गया। तो मिलते हैं फिर सीधा बाइक में। तो भाई वहाँ से दिखा रहा था 600 कुछ, तो मैंने यहाँ से लिया है तो 593 किलोमीटर हो गया है, मतलब मोटा मोटा अपने भाई बच तो गया है। लेकिन यहाँ पे 8 क्यों दिखा रहे हैं, मतलब कि 593 किलोमीटर में मैं 8 बजे पहुँचूंगा, ऐसा रोड है तो। तो भाई कैसे लगे आपको सिनेमेटिक शॉट वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक तो काफ़ी अच्छी मतलब कि ट्रिप गई है मेरी, वडोदरा 202। चलो भाई ना भाई ना, तो अभी जो इतनी अच्छी एवरेज दे रही है ना ये, तो वो सब ख़त्म कर देगी ये, तो इसलिए इसको वही 100 पे रखते हैं, क्योंकि डबल तेल
पी जाएगी वहाँ पे। ये अभी 25 की एवरेज दे रही है तो उसकी ये 18 पे 15 पे पहुँच जाएगी जिस तरह से मैं इसको थ्रोटल दूंगा, तो सारा पेट्रोल ऐसे उड़ा देगी हवा में। वैसे ही यार 10 रुपये महंगा पेट्रोल डल रहा है दिल्ली से ज़्यादा, दिल्ली वाले लोगों को वैसे ही रोना आ रहा है भाई, पेट्रोल में सो हो गया, यहाँ 110 का पेट्रोल डल रहा है यार। नहीं भगाएंगे भाई, बीच बीच में भगाएंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि भाई हम गुजरात में तो इंटर हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है, मतलब कि इतना भी रहे तो भाई ठीक है, मतलब कि धूप ना आए बस, छाया रहे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेहुल वगैरह ने भाई डरा दिया है, अथर्वा ने भी डरा दिया, कह रहा है भाई मुंबई के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, अभी क्या हाल होगा वो पता चल जाएगा। तो यार आ रहे हैं, देखते हैं आज मुंबई का भी ट्रैफिक कैसा होता है, दिल्ली जैसा होता है या दिल्ली से ज़्यादा भयानक होता है। तो भाई बड़ोदरा की साइड में आ गया हूँ और जो अहमदाबाद है वो साइड में रह गया है, बिल्कुल ही बाईपास से कट लिया हूँ मैं। वैसे आप लोगों को कैसे मज़ा आ रहा है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई। मेरी जो यहाँ की वीडियो है ना, मतलब अल्टीमेट होने वाली है बॉस, तो जो भी भाई पहली बार इसको आ रहा है ना तो सब्सक्राइब करके रख लो, और नहीं रख रहे हो ना तो पहले मुंबई की वीडियो देखना, उसके बाद है ना आप दिल से अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे भाई, और उससे पहले वाली वीडियो देख लोगे तो पक्का कर दोगे भाई फिर तो। क्योंकि लेह लद्दाख भी अभी रिसेंटली मैं करके आया था, तो भाई जिसने अभी तक मेरी पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो भाई अल्टीमेट सीरीज़ थी, तो जाके लेह लद्दाख की पूरी सीरीज़ देखो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। तो भाई काफ़ी टाइम से ना भाई पीछे पीछे फॉलो करते, कितने किलोमीटर से लगे हुए थे? 22 किलोमीटर से बाइक पे फॉलो कर रहे थे भाई। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए रुका था तब एकदम से आए भाई। क्या नाम है भाई आपका? हर्ष नाम है भाई का, और यहीं से है? हाँ, यहाँ से लोकल। क्या एरिया का नाम क्या है यहाँ पे? गांव लगता है सहरसा। तो सहरसा गांव लगता है भाई। मेरे को यहाँ से हाईवे पे मेन अटैच होना था, यहाँ बैक साइड में है, तो बीच में भाई मिल गया था, अच्छा लगा भाई के साथ। तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट टाइम। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक भाई से मिले थे जो कि मतलब वहीं के आसपास के गांव का था, बट वो काफ़ी देर से मतलब कि 22 किलोमीटर से बता रहा था भैया मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई थैंक यू भाई, आप लोगों का इतना जब प्यार मिलता है ना तो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है भाई। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस यही प्रेयर है मेरी भाई गॉड से। कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रोन शॉट और सिनेमेटिक शॉट तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वेलकम टू मुंबई मेरे दोस्तों, ये ट्रैफिक जो है ये मुंबई का है, अभी पीछे फंसा हुआ था ट्रैफिक में, क्या करें। ये 5 बिल्डिंग तो देखो यार कितनी अच्छी लग रही है ना भाई। क्या हाल चाल भाई? कैसे हो? बढ़िया, तुम सुनाओ। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, और ये होटल ही है, मतलब यहाँ का नज़ारा भी आपको कल दिखाएंगे, मतलब कि मुझे तो अभी कुछ वैसे ही नहीं दिख रहा भाई। तो मैं मेहुल का घर यहाँ यहीं कहीं नहीं में से है, तो जो उसने लोकेशन भेजी थी उसके उस पर दिख रहा था। और मेरे को भाई यहाँ पे चोट लगी थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो ये देखिए ये लगी हुई ना, ये चोट लगी थी, और ये पूरा पैर अभी भी है ना, मतलब कि स्वेलिंग कर रखा, देखो ये पूरा पैर ना अभी स्वेल कर रखा है। तो ये यहाँ से लगी, ये पत्थर पे टकराया था, ये पूरा देखो यहाँ पे पूरा लगा हुआ है अभी तक, और ये यहाँ से भी रगड़ खाया हुआ है ये। तो भाई मतलब इतना बड़ा पत्थर था, और मेरी बाइक की हाइट इतनी लंबी थी कि मैं थका हुआ था, और हाइट इतनी ज़्यादा लंबी है बाइक की, तो मैंने पैर हवा में नीचे लटका रखे थे, मतलब रोड पर टच नहीं हो रहे थे, रोड से एक हाथ ऊपर थे। तो भाई वो पत्थर मेरे को दिखा नहीं भाई, वो एक तो रोड का आइडिया नहीं था कि रोड कैसे होंगे, एक पत्थर भी साइड में एक पत्थर था, मैं ओवरटेक ले रहा था वहाँ से, तो दिखा नहीं भाई, लेकिन बाइक उसके ऊपर नहीं गई, वो सबसे शुक्र मैं मानता हूँ कि भाई मैं बच गया वहाँ पे, मतलब कि चला नहीं जा रहा है, हो जाएगा सही, अभी बर्फ़ मंगाई थोड़ा सा मैं सिकाई कर लूँगा तो सही हो जाएगा। और यहाँ मेरी जैकेट
रखी हुई है, मैंने लगा दी है क्योंकि ये थोड़ा बहुत बारिश में अभी भीग गई थी, लास्ट की 10 मिनट की जो बारिश आई उसमें भीग गई थी। पैनियर वगैरह यहाँ पे रख दिया है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मेल और वगैरह अभी आएंगे या फिर कल सुबह आएंगे, देख लेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइड हूँ, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं खाना मंगाता हूँ और लैपटॉप में डाटा कॉपी करता हूँ। जितना एडिटिंग हो पाएगी कर लूँगा, नहीं हो पाएगी तो कल कर लूँगा। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल होना हो। बाय, टेक केयर।